हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कंक्रीट पंप जो है कैसे जो है कंक्रीट किया जाता है बूम के द्वारा साइट पे। जैसे वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को, सीविंग कंपनी का कंक्रीट पंप है। इस पंप में चार यूनिट होते हैं, जैसे ये रिगर के एक सामने दिख रहा है इधर में एक, और एक आपको दिखे इधर बैक साइड में दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में इधर दिख रहा है सामने में, दूसरा इसके बैक साइड में दिख रहा है। इधर देखिए, इसमें ये वीडियो में आगे दिख रहा है, इसका लेग बाहर कर रहे हैं, हाइड्रोलिक लेग है ये। इसको रिगर भी बोलते हैं। यहाँ इसका एक वेक्टर चार रिगर होता है, दो राइट में दो लेफ्ट में। इस वीडियो में देखिए इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये रिगर के नीचे में बेस प्लेट लगा रहे हैं, यहाँ भी देखें, दोस्तों आगे का हम लोग इसमें समझने जा रहे हैं। इसमें दो यूनिट है, एक वेक्टर है जो उसमें बूम में फिक्स है, और एक यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं जी बताइए आप। ये आपका रिमोट ऑन बटन। अच्छा, रिमोट ऑन बटन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आ गया, पास से दिखा रहा हूँ। अभी ये जो है रिमोट पे, इसका जो है कंट्रोल रिमोट में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। हाँ बताइए, उसे ये कहाँ पे है, ये क्या है? ये आपका ओके का बटन। जी, यहाँ से ओके हो गया आपका। हाँ हाँ, फिर उसके बाद बूम का ये हो गया जी, स्लो या फास्ट में। हाँ, बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा तो नहीं आपका बूम काम करेगा कोई। हाँ ठीक, कुछ नहीं काम, ठीक है ठीक है। तो हम फास्ट में चलाना चाहते हैं। हाँ, तो फास्ट में कर दिए। हाँ हाँ, ये है आपका RPM जी, प्लस माइनस। जी जी, तो हम माइनस कर रहे हैं, वो प्लस करें, सॉरी। जी जी, प्लस हो गया जी। फिर उसके बाद मैं एक नंबर बूम को खोल रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर हो रहा है बूम, एक नंबर अप हो रहा है, अप हो रहा है। एक नंबर मतलब जो ये एक यूनिट है, एक जो उठ रहा है, जो स्टैंड यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक नंबर है। हाँ, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पे चल रहा है, ठीक। एक नंबर आपका ये ऊपर जा रहा है। दोस्तों देखिए, इसमें एक नंबर पे पूरा स्टैंड हो चुका है बूम,
आइए अब देखते हैं दूसरा जो बूम है वो कैसे खुलता है। हाँ अभी बताइए दूसरा वाला कैसे खुलेगा। दूसरा ऐसे खुलेगा, घुमा रहे हैं उसको। हाँ अच्छा खुलना चालू हो गया। देखिए दोस्तों ये दूसरा बूम भी खुलना चालू हो गया है। ठीक है हाँ बताइए दोस्त। ये देखिए मैं तीन नंबर बूम को खोल रहा हूँ। अच्छा तीन नंबर, एक मिनट तीन। ठीक है स्टार्ट कीजिए। देखिए इस वीडियो में थर्ड नंबर का जो बूम है एक दो तीसरा खुल रहा है। देखिए दोस्त अभी जो इसमें जो है चौथा नीचे किया आपने ना, नीचे करने पे चौथा वाला बूम जो है खुलेगा। देखिए दोस्त इस वीडियो में चौथा वाला जो है बूम खुल रहा है। एक दो तीन चार, यहाँ पे देखिए बेस इसका है, बेस फिक्स है ये, और यहाँ से चारों बूम अपना खुल करके बाहर निकल रहे हैं। ये रेडीमेड में हो रहे हैं कंक्रीट करने के लिए है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए पीछे में जो ऑफर है इसमें कंक्रीट हम जो है TMCS सूट के द्वारा इसमें लेते हैं, और यहाँ से इसके अंदर में एक रोटेट करता हुआ पंप लगा रहता है जो प्रेशर से कंक्रीट को इस पाइप के थ्रू ये बूम में भेजता है। बूम में जो है ये बूम जो आपको दिख रहा है एक दो तीन चार, चार सेक्शन होते हैं, और एक नीचे में जो है ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा रहता है कंक्रीट करने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड इसका जो है कंट्रोल पैनल है, देखिए इसको ऐसे यहाँ से ऐसे उठाते हैं। देखिए स्टार्ट करो, ये बैकटर कंपनी का। हाँ लोड हो रहा है, देखिए बूट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके फंक्शन सब जो है स्टार्ट हो रहे हैं। अभी ये जो है स्टॉप मोड में है। देखिए यहाँ पे इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा। अभी ये स्टॉप मोड में है फ्रेंड्स। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ बटन है यहाँ पे, देखिए ये डिजिटली जो है ब्लिंक हो रहा है अप डाउन को। यहाँ अभी स्टॉप लिखा हुआ है, कैमरा हिल रहा है नहीं तो मैं दिखा देता आपको, स्टॉप लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नो रेशियो कंट्रोल ट्रांसमिशन। अभी इसका जो कंट्रोल जो है इसके कंट्रोल यूनिट जो रहता है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हाँ अभी क्या कर रहे हैं आप बताइए जरा इसको। आपके सीनियर है वो? ठीक है उनको बुलाइए आइए। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा हमारे जो है ना जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए इस क्या क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ ये क्या है अभी आपने नीचे किया है, क्या है अभी ये इस समय आउटरिगर में है। अच्छा अच्छा इसको जैक बोलते हैं। अच्छा अच्छा आउटरिगर, इस समय अभी ये आउटरिगर में है। हाँ हाँ आउटरिगर यानी जो है कि क्या हो रहा है बटन से? ये देखिए स्विंग हो रहा है। अच्छा स्विंग हो रहा है, स्विंग किधर हो रहा है? अच्छा रिवर्स साइड को स्विंग हो रहा है। देखिए इस वीडियो में ये वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। हाँ वहाँ दिखा देता हूँ फ्रेंड, देखिए सामने में वो रिवर्स हो रहा है, ये जो घूमते हुए ये घूम रहा है इधर को, इधर जो है रिवर्स हो रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है बैक साइड को। देखिए आगे को आगे कैसे किए थोड़ा बताएं इसको। ये देखिए अच्छा ये बटन से हाँ हाँ आगे किया आपने। ठीक
सामने को मूव हो रहा है ना। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना या रोक करके देख लेना पूरा है, क्योंकि इसमें आपको एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। हम लोग जो बताने जा रहे हैं इसमें पूरा, आप जो इस वीडियो को देख करके बूम को चलाना सीख सकते हैं। इसका नाम क्या है बताएं पहले दोस्त? ये रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, रिमोट कंट्रोल है जी। ठीक है, अब इसके सारे जो बटन है ना, इसका फंक्शन बताइए कैसे काम करता है दोस्त? ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी बटन है वो? हाँ, रिमोट ऑफ है अभी। रिमोट ऑफ है जी। अच्छा, अभी कोई काम नहीं करेगा? कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी करेंगे कोई काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, और आगे का बताएं अभी। ये देखिए दोस्त, ऑन कैसे किया आपने? हल्का से डाउन किए, हल्का से घुमा के। अच्छा, घुमा करके, मतलब घुमाए कैसे आपने? ये इसको ऐसा किए, ऐसा ये देखिए दबा करके आपने घुमाया। अच्छा, हाँ। दबा के घुमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप आइए, ये रिमोट को ऑन करता है। अच्छा, रिमोट को ऑन करता है, ऑन ऑफ बटन है। ये देखिए रिमोट ऑन हो रहा है। अच्छा, उस पर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्टार्ट आ गया, उस पर लिख दिया स्टार्ट। लिख के आ रहा है दोस्त। हाँ, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार्ट लिख के आता है जी। हाँ, स्टार्ट लिख के आ गया, ठीक है, स्टार्ट लिख के आ गया। हाँ हाँ, अब स्टार्ट मांग रहा है, तो अब यहाँ से ओके करेंगे। अच्छा, वो ओके है, डाउन किए तो ओके हो गया। हाँ, इस बटन को आपने डाउन, ये वाली थी कि ये वाली इसको आपने डाउन किए तो ओके हो गया। ओके हो गया, ठीक है, और आगे बताएं। ठीक है, अब यहाँ से आइए। हाँ हाँ दोस्त, ये हो गया आपका वाटर पंप का। अच्छा अच्छा, वाटर पंप हो गया ये। हाँ हाँ, ये हो गया आपका एजिटेटर मोटर। एजिटेटर मोटर ये क्या होता है? एजिटेटर मोटर ये हॉपर में रहता है। अच्छा, हॉपर में रहता है जी। यानी वहाँ पे उसको क्या करता है, उसका काम क्या रहता है? उसका काम ये रहता है कि कंक्रीट को एक जगह पे रहने नहीं देता उसको हमेशा। अच्छा, रोटेट करते रहता है वहाँ पे अंदर में। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका स्टोक का। स्टोक यानी स्टोक मारते हैं तो कंक्रीट अप होता है। हाँ, अप या डाउन उससे होता है। रिवर्स फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया, अब भी होता है, ये रिवर्स है। ये रिवर्स आपका हो गया। हाँ, कंक्रीट यानी पंप से अंदर लेगा, ऑपर में लेगा, वापस आएगा, टॉप ऑफ आएगा। हाँ, और अब करेंगे आपका फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। हाँ, ये हो गया यानी बूम में जाएगा कंक्रीट, ठीक है। ये हो गया आपका कंक्रीट को स्लो फास्ट करने के लिए। अच्छा, एक दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर स्लो। हाँ, यानी आपको किस स्पीड में कंक्रीट चाहिए? स्लैब में है तो स्पीड बढ़ा देते होंगे। और जैसे कि अभी कंजेस्टेड, जैसे वाल करना है या कहीं पतली नैरो जगह में कंक्रीट करना है तो वहाँ इसका कंक्रीट का स्लो कर देंगे, स्लो कर देते हैं स्पीड, ठीक है। और आगे बताइए। ये आपका आ गया आरपीएम। आरपीएम है, ये आरपीएम का क्या मतलब होता है? आरपीएम जैसे इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, इंजन को रेस करता है इंजन की स्पीड को। हाँ, ये है। अच्छा, पावर सप्लाई प्लस से माइनस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और हो गया आपका प्लस और नीचे में माइनस। माइनस यानी वो, सॉरी, ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस नीचे की तरफ प्लस है। अच्छा, नीचे की तरफ प्लस है, ऊपर करेंगे तो प्लस है। ये हर एक कंपनी का अलग अलग फंक्शन रहते होंगे ना। देखिए, हम लोग जो बता रहे हैं इसमें स्विंग कंपनी का, दोस्तों मैं बता दूं, ये स्विंग कंपनी का पंप है और इसका ये रिमोट कंट्रोल है। सामने दिख भी रहा है, इसमें देखिए स्विंग का है, ठीक है। हाँ, ये आपका आ गया जो बताता है स्टार्टिंग में ओके का, ये ओके का है। और ये है हॉर्न, हॉर्न का। अच्छा, हॉर्न बज रहा है, ठीक है। ये और ये दो बटन एक्स्ट्रा हैं। अच्छा, दो एक्स्ट्रा दिया हुआ है जी। एक्स्ट्रा मतलब उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी बटन ये खराब हो गई है। अच्छा, तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं, खोल के लगा सकते हैं। वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है। और ये भी एक एक्स्ट्रा है। अच्छा, ग्रीन मान लीजिए यहाँ पे लगाना हो, ये खराब हो गई तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये फिर ये इसका क्या, येलो बटन का क्या काम है? जैसे मान लीजिए ये खराब हो गया आपका। हाँ, जिसमें ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है, ये जैसे लाइट का पॉइंट दिखा रहा है, तो क्या ये है इसका डिस्प्ले का लाइट? अच्छा, डिस्प्ले पे लाइट होने के लिए है। हाँ, लाइट वगैरह में आप कंक्रीट कर रहे हैं तो डिस्प्ले पे लाइट जो है, लाइट का है, लाइट चाहिए। अच्छा ठीक है। ये आपका है बूम का। बूम मतलब क्या उसका? बूम जैसे अभी है ये न्यूट्रल, बूम कोई नहीं काम करेगा। अच्छा अच्छा, न्यूट्रल पे था, ऑन करना है तो इधर खरगोश की तरफ कर दीजिए थोड़ा स्लो। खरगोश है क्या वहाँ पे? ये खरगोश है, ये हिरन है। अच्छा हिरन, हाँ दोस्तों देखिए इसमें दिखा रहा है, उधर खरगोश बैठा हुआ है और इधर हिरन है। अगर स्लो करना है तो उधर स्लो, फास्ट, ये फास्ट है, ये स्लो है, स्लो है। अच्छा अच्छा ओके। उसके बाद यहाँ से हो गया आपका, कहाँ से? हाँ, ये दोनों बटन का क्या काम है बता दीजिए थोड़ा सा। एक नंबर अप हो रहा है। अच्छा, ये जो बूम के चार सेक्शन होते हैं, ये एक नंबर को अप करने के लिए है। एक नंबर अप हो रहा है। हाँ, नीचे करने पे एक नंबर अप होता है। एक नंबर डाउन हो रहा है। एक नंबर डाउन हो रहा है, दो नंबर अप हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसा घुमा देंगे तो दो नंबर अप होगा। हाँ ठीक, दो नंबर अप डाउन हो रहा है, दो नंबर, इसको इधर घुमाएंगे तो दो नंबर डाउन होगा। फिर इसका जो है, ये है लिफ्ट का है स्विंग। हाँ,
राइट का है स्विंग। अच्छा लेफ्ट स्विंग करना है तो इसको ऐसा करेंगे, राइट स्विंग करना है तो इधर करेंगे फिर, ठीक है। और इसका बताएंगे हो गया, इसमें तीन और चार है, तीन और चार बूम, यानी जो बूम तीसरा और चौथा नंबर का है उसका कंट्रोल वहाँ पे दिया हुआ है। ये तीन नंबर अप हो रहा है, अप मतलब ऊपर उठेगा, हाँ खुल रहा है, हाँ तीन नंबर बंद हो रहा है, ये डाउन होगा यानी क्लोज होगा, ठीक है। फिर ये चार नंबर अप हो रहा है, चार नंबर अप, ये चार नंबर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसको फिर लेफ्ट राइट करने का है? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, स्विंग इसमें ही है, स्विंग इसी से कंट्रोल होता है, इसी बटन से, ठीक है दोस्तों। देखिए स्विंग इससे कंट्रोल होता है, और मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी।